झरना टोला के पार्षद रमेश प्रताप गुप्ता ने स्थानीय नागरिकों के साथ सोमवार को मुख्य अभियंता विद्युत इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात कर प्राइवेट लाइन मैन द्वारा कॉलोनी वासियों से अवैध धन उगाही किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में मुख्य अभियंता विद्युत इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि स्थानीय पार्षद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि प्राइवेट लाइन मैन द्वारा धन उगाही की जा रही है। उसके संबंध में उस क्षेत्र के अधिशासी अभियंता और शहरी अधीक्षण अभियंता की टीम बनाई गई है, जो जांच कर रिपोर्ट देगी, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अभियंता विद्युत इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तार लगाने की बात जब सब आई तो एक प्राइवेट लाइनमैन है, उसका नाम, क्या नाम जो था लाइनमैन, मुस्लिम करके एक लाइनमैन है, वो प्रति उपभोक्ताओं से 2000 रुपये मांगने का मांगा। उसका नाम हम लोग लिखे हैं, उसका क्या नाम है, वीके चौधरी बोलवा, ठीक है मैं दिखवा। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस कार्य को बोल तो लगवा दिए हैं आप, तार जब आपने उसके किसी को आपसे आके मांगे, आप तो लीडर आदमी है साहब, आप क्यों किसी को 2000 रुपए जी दे रहे? तो साहब हम लोग जो माननीय सांसद सर, माननीय सांसद जी को हम लोग बताए, तुरंत तत्कालीन मुख्य अभियंता को और SDO को वो फोन किए और कहे को आप तत्काल कार्य को शुरू कराइए, लेकिन साहब नहीं नहीं 2000 रुपए वाली बात है। हाँ सर, वो 2000 रुपए वो दो, ये सारे लोग नोटरी बनवा के दे देंगे, हम भी वो मुस्लिम करके उसका नाम सुहेल नाम है, एक रुपया हम लोग नहीं देंगे। हम लोग तुरंत सब लोग इकट्ठा होकर के सांसद जी के पास गए, सांसद जी तुरंत पूछे गए उनके ऊपर फोन किए कि नहीं SDO साहिबा को, तो SDO साहिबा कहे कि चीफ साहब को फोन करवाइए, चीफ साहब को भी उन्होंने फोन किया कि कार को आप शुरू कराइए। चीफ साहब तो नहीं, आपके पहले सर हम आपसे अभी आप पर आए हैं साहब, अभी 10 दिन हुआ आपसे मुलाकात पहली हम लोग, तो वो चीफ साहब को भी फोन कराए, चीफ साहब कहे नहीं हम तो नहीं, हम लोग अपने मर्जी से ठेकेदार पड़वा रहा है। ये आप ही का नंबर है? ये सर हमारा नंबर है सर, मुझे आज का समय दीजिए साहब, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, कोई प्रार्थना मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए जी जी, मैंने भी केस लिखा नहीं है जी सर, जो मुझे एट दी आउटसेट यानी कि शुरुआती तौर से प्राइमा फेसी जिसे कहते दिखाई देता है ना, एक होता है आप तहरीर देते हैं जी, उसके बाद तहकीद होता है, तो आपने एक तहरीर दे दिया जी जी जी। अब बात ये आती है, मैं जरा पूछूं कि ठेकेदार के स्कोप में वो जगह थी कि नहीं, बिल्कुल सर, मेरे अधीक्षण अभियंता भी आएंगे आज, और कोई अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं आपको फोन करके बुलवा भी जी 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 जी, है ना, एक दो आप आदमी मतलब ज्यादा नहीं, बिल्कुल सर, एक आदमी बैठक में जब कोरोना का मामला है वो बुला भी लेंगे, पूछ लेंगे क्या वहाँ स्कोप में था, बहुत यहाँ पे जान लीजिए अनर्गल भी खंभा लगा दे सर, वो है धंधा पानी करने सर, फलान में है, मुझे पता नहीं क्यों धंधा पानी दिखने लगा, 2000 रुपए वाली बात है। हाँ। थोड़ा सर उसमें प्लान में है, एस्टीमेट जो बना था सर, हमारे वो एस्टीमेट में है, हमारे से ऐसी साथ की मीटिंग है जी, तो उसमें बात करके जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊंगा, बिल्कुल सर, ठीक है ठीक है। सर झरना टोला के स्थानीय पार्षद द्वारा आज को आपको ज्ञापन दिया गया, उसमें स्थानीय बिजली कर्मचारी पर आरोप लगाया, किस तरीके का मामला क्या है, किस तरीके कार्रवाई की? आज झरना टोला से संबंधित जो सभासद हैं मिस्टर गुप्ता, मेरे पास सवेरे आए थे और काफ़ी लोगों को लेकर के आए थे, उनके साथ मेरे ख्याल से 40-50 लोग रहे होंगे, और उनका कहना था कि उनके क्षेत्र में बांस बल्ली के अंतर्गत, उनका जैसा कहना था, बांस बल्ली के अंतर्गत पोल उल गाड़े गए थे, पर पिछले 2-3 माह से उसमें आगे कार्य नहीं हुआ था, और अभी जो है ठेकेदार ने आके पोल उखाड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे कोई प्राइवेट लाइन मैन था जिसका नाम उन्होंने सुहेल बताया, और ये कहा कि उसके द्वारा जो है कुछ पैसे की मांग भी की जा रही थी प्रति पोल लगाने के लिए, प्रति उपभोक्ता से। ये बात उन लोगों ने जो लिखित रूप से हमको दिया उसमें लाइन मैन का नाम नहीं लिखा है, और प्राइवेट लाइन मैन की बात ही की है। विषय की गंभीरता को देखते हुए कि क्या वाकई में वहाँ पे बांस बल्ली के प्रोजेक्ट के अंदर ये पोल गाड़े गए थे, ऐसे भी बहुत बहुत जगह होता है कि लोग इल्लीगल रूप में भी गाड़ लेते हैं,
इसलिए मैंने संबंधित अधिशासी अभियंता जो क्षेत्र के हैं और अधीक्षण अभियंता जो मेरे शहरी, उन दोनों जन को बुलाया था और मौखिक रूप से ही बात की, क्योंकि हम चाहते हैं इसमें त्वरित कार्रवाई हो और त्वरित मेरे पास आख्या आ जाए। तो बाई हैंड ही मैंने उसी पर नोट लिख करके इनको हैंड ओवर कर दिया कि 2-3 दिवस के अंदर इसको जांच करके आख्या दें, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।